और ये निशान से ये पता चल जाता है कि जैसे सुबह कोई जानवर आया था या फिर कोई भी चीज़, तो जो ओस गिरता है तो उससे ये पता चल जाता है कि ये जो निशान दिखते हैं तो यहाँ से कुछ गया है। तो इस तरह का जो निशान आपको समझ में आ जाएगा, और देख सकते हो आप लोग नज़दीक से। और मेरा काम था यहाँ जो ये दतारी रखी हुई है, और ये हो गया आपका जुआड़ी, और ये हुआ नांगर। तो हम लोग को जो ये फार होता है तो इसे फार को ले जाना है, और इसे थोड़ा मतलब कि तेज जो धार है उसको पैना करना है और पजा के, तो उसके बाद में जो नांगर अच्छे से नीचे जो ज़मीन में अच्छे से गड़ पाएगा और हमारा जो चिराटा है काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं और ले जाते हैं घर। तब तक के लिए देखते रहिए और इंजॉय कीजिए दोस्तों। और मैं उधर से खेत तरफ से आया, फार वार रख लिया, और उसके बाद में जो है मामा आए और बोल रहे हैं कि हमें बालाघाट जाना है। तो मैं बालाघाट के लिए हम लोग जो है गाड़ी से निकल गए। तो ये गाड़ी इधर पे खड़ी है, और अभी सुबह 7:30 बजे वाली जो ट्रेन पकड़ना है, तो मैं दिखाता हूँ वहाँ से कुछ। और वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा वीडियो शायद न बना पाऊँ, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को देखिए आप लोग, और कुछ सोचिए कि किस प्रकार की जो है जो बारिश का मौसम होता है कितना सुंदर दिखता है, और सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब जानवर से लेकर इंसान तक काफ़ी जो उन्हें भी घास वास मिल जाता है, और हम लोग को भी है थोड़ा जो पानी आने की वजह से हम लोग भी जो है पर्यावरण लगा पाते हैं। तो इस तरह का जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है हम लोग के लिए, और देख सकते हो। और हम लोग को जाना है इधर तिरुड़ी में, तो मैं कुछ शॉर्ट्स दिखा दूँगा वहाँ पर, वो भी सूर्य भी निकल रहा है। का कुछ व्यू देखिए इस तरह का है रेलवे स्टेशन, और काफ़ी जो है बदलाव आ चुका है। तो इस तरह का है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ रेलवे स्टेशन में आया और चेंजेस हो गया है, और अभी खाली है तो अभी 7:40 पर निकल जाएंगे यहाँ से बालाघाट के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight.